हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पाठ हमारा है 10 पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। और पर्यायवाची का मतलब क्या होता है वो आप लोग देखेंगे। पर्यायवाची का मतलब होता है कि ऐसे कि एक शब्द को उसके और समान अर्थक उसके शब्द निकलना है, जैसे कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, समान मतलब कि एक से होते हैं, जिनका कि मीनिंग एक ही निकलता है। जैसे कि कुसुम का अर्थ है फूल। कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल, तो एक ही अर्थ निकला ना इसका। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। अब आप नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं वो आप देखिए। नंबर 1 दिया हुआ है, जैसे कि नवचर डाली पर बैठा है। नंबर 2 में दिया हुआ है, खग डाली पर बैठा है। और नंबर 3 में दिया है, पक्षी डाली पर बैठा है। अब आपने देखा नपचर, खग, पक्षी, ये तीनों का एक ही मीनिंग है, मतलब कि आगे नीचे लिखा है आपकी लाइन में बुक में, ऊपर के तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, क्योंकि खग, पक्षी और नपचर एक ही प्राणी के तीन अलग अलग नाम हैं। ये तीनों शब्द एक समान अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब कि तीनों का मीनिंग एक ही है। अब कुछ पर्यायवाची शब्द आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको हम रीड करेंगे। जैसे कि सुगंध। अब सुगंध का मतलब क्या होता है, सुरभि, खुशबू और सौरभ, तो इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है। नेक्स्ट है हमारा इच्छा। इच्छा का मतलब क्या होता है, चाह, अभिलाषा और कामना, ये तीन तीन इनके पर्यायवाची शब्द हैं। जल, जल को हम क्या बोल सकते हैं, और नीर, पानी और बारी। अब हवा का देखिए, अब हवा को हम क्या बोलेंगे, पवन भी बोल सकते हैं, वायु भी बोल सकते हैं और समीर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नौकर। नौकर को हम क्या बोलेंगे, सेवक, दास और भृत्य। हाथी, हाथी को क्या बोलेंगे, गज, कुंजर और मतंग। शरीर, शरीर को क्या बोलेंगे, तन, काया, देह, बदन। इस प्रकार से हम कुछ भी इसका मीनिंग ले सकते हैं। शक्ति, शक्ति को क्या बोलेंगे, ताकत, पराक्रम और बल। नदी, नदी को क्या बोलते हैं, सरिता, तटनी और निर्ज ऋणी। प्रकाश, प्रकाश को क्या बोलेंगे, प्रभा, ज्योति और दयुति। आगे और देखेंगे हम पर्यायवाची पेज नंबर 54 पे। अब पृथ्वी है, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, धरा भी बोल सकते हैं, धरती भी बोल सकते हैं और वसुधा भी बोल सकते हैं और भू भी बोल सकते हैं। रात, रात को क्या बोलेंगे, निशा, रात्रि, रजनी। पत्थर, पत्थर को क्या बोलेंगे, पाषाण, पाहन, प्रस्थर और शिला। समुद्र, समुद्र को क्या बोलेंगे, सिंधु, सागर, जलनिधि, रत्नाकर। पर्वत, पर्वत को क्या बोलेंगे, पहाड़, गिरी और शेल। नेक्स्ट है फूल। फूल को क्या बोलेंगे हम, पुष्प, सुमन, कुसुम। हमने फूल तक पर्यायवाची शब्द पढ़े, ये हमारे फर्स्ट टर्म के लिए। आगे के जो पर्यायवाची शब्द आपके हैं वो हमारे सेकंड टर्म के लिए। तो आपने देखे पर्यायवाची, ऐसे कि एक शब्द का कोई उसके और भी अर्थ निकलते हैं, उसके समान अर्थ, मतलब कि उसी शब्द को और हम किन किन नामों से बुला सकते हैं, किन किन नामों को, मतलब कि एक ही शब्द को और हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, तो उसी को हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। नीचे की लाइन में लिखा हुआ है, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या
समानार्थक शब्द कहते हैं। खग पक्षी और नवचर एक ही प्राणी है। प्राणी मतलब संज्ञा है के तीन अलग अलग नाम है। नाम अलग अलग हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही निकल रहा है। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए। अब पर्यायवाची के आप तीन तीन की जगह आपको एग्जाम में दो दो भी पूछ सकते हैं, तीन तीन भी पूछ सकते हैं। आपके किसी किसी में चार चार भी दिए हैं, तीन तीन भी दिए हैं। तो आपको पूरे पूरे ही लर्न करना है। पेपर में जैसे भी आपको पूछेंगे आप उतने ही पर्यायवाची शब्द इनके लिखेंगे। ओके।